हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने वीडियो में आपको बताया कि जब एक वक्र दिया हो तो हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों समाकलन द्वारा। आज हम आपको बताएंगे कि दो जब वक्र दिए हो तो हम समाकलन द्वारा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, जिसने हमें समीकरण, इसमें दो समीकरण दिए हुए हमें दोस्तों, तो हम सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं। क्या होते हैं समीकरण? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसको पहला समीकरण डालेंगे दोस्तों, और दूसरा समीकरण लिखते हैं y बराबर mx। ठीक है दोस्तों, अब जब हमें दो समीकरण दिए होते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर y बराबर mx की जो वैल्यू है हम समीकरण दो में रखेंगे, तो y बराबर mx समीकरण दो को एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले y बराबर mx पहले समीकरण में रखते हैं, तो क्या होता है m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4ax। उसके बाद दोस्तों हम एक x से एक x काट दे रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा m स्क्वायर x स्क्वायर x बराबर 4a। यहाँ दोस्तों हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x बराबर यहाँ पर आता है 4a अपॉन m स्क्वायर। दोस्तों हमें यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त हो गई जो होती है 4a अपॉन m स्क्वायर। दोस्तों हम 4a अपॉन m स्क्वायर जो है पहले किया दूसरे किसी समीकरण एक में, किसी एक समीकरण में रखते हैं दोस्तों, तो हमारी y की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर m इंटू 4a अपान m स्क्वायर, इस m से एक m कट गया, तो y की दोस्तों हमें वैल्यू प्राप्त हो गई 4a अपान m। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है दोस्तों जिसमें x और y की वैल्यू होती है 4a अपान m स्क्वायर कॉमा 4a अपान m। हमें एक पॉइंट प्राप्त हो जाता है दोस्तों जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड करते हैं दोनों समीकरणों को हल करके। उसके बाद दोस्तों हम फिगर बनाते हैं। अब फिगर पे आते हैं दोस्तों, फिगर कैसे बनाएंगे? फिगर हम ऐसे बनाते हैं दोस्तों, हमें देखना होता है पहला समीकरण किस चीज का दिया हुआ है। दोस्तों पहला समीकरण जो है वो परवलय का दिया हुआ है, वो भी दायां पक्ष परवलय दोस्तों, तो हम एक दायां पक्ष परवलय बनाते हैं ऐसे। उसके बाद दोस्तों हमें एक ये जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है वो यक्स और वाई में एक घाती है दोस्तों। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वाई का घात है एक है, जो यक्स घात है एक है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं, रफली चेक करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये जो रेखा है वो कहाँ से होकर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम एक बार यक्स बराबर जीरो रख के देखते हैं समीकरण में, वाई बराबर एम एक्स में एक बार जीरो रख के देखते हैं, तो वाई बराबर कितना जाएगा दोस्तों? जीरो। तो ये रेखा कहां से जाएगी? पी जीरो कामा जीरो, पॉइंट एक निकल गया दोस्तों। अब दूसरा, दूसरी बार हम एक बार वाई बराबर जीरो रखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी समीकरण में वाई बराबर जीरो रखते हैं। जब वाई बराबर जीरो रखेंगे दोस्तों, तो एक्स बराबर क्या आएगा? जीरो। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकल आया जीरो कामा जीरो, इससे हमें पता चल जाएगा दोस्तों कि ये रेखा कहां से जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रेखा कहां से जाएगी दोस्तों? दोनों जगह कहां आ रहा है? मूल बिंदु। हमारे मूल बिंदु के स्थान क्या होते हैं दोस्तों? जीरो कामा जीरो। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि रेखा कहां से जाएगी? मूल बिंदु से। तो इसके लिए हम दोस्तों रेखा को क्या करेंगे? मूल बिंदु से गुजार देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो रेखा है दोस्तों, ये इस कर्व को कट जरूर करेगी। आप फिगर बनाने में गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ये दोनों दिए हुए हैं इनके बीच का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जब एक रेखा कट करेगी तो जो हमारा ये पी पॉइंट निकलता है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो पॉइंट हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है ये पी होता है, ये जो हम दोनों समीकरण को हल करके निकालते हैं वही पॉइंट होता है जो दोस्तों कट करता है दूसरे को। तो 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 4a अपॉन m, हमने यहाँ पर पॉइंट रख दिया दोस्तों। फिर इस पॉइंट से हम एक यहाँ पर लंब डालते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं। अब हमें यहाँ पर इन समीकरणों को डाल देते हैं। कौन सा समीकरण दोस्तों? पहला, और ये कौन सा समीकरण है? दूसरा। अब हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों समीकरणों में का जो एरिया है वो कितना मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमें दो बंद कर्व दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। लेकिन इस अगर हम कर्व को लेते हैं तो यहाँ पर ये जो है दूसरा समीकरण आ रहा है, पर यहाँ पर पहला समीकरण नहीं है, ये लंब है। और इसमें दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पर पहला भी समीकरण है, दूसरा भी समीकरण है, तो हम इनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम सैड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस एरिया को हम क्या कर लेंगे? सैड कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस एरिया को भर लिया है दोस्तों। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम दोस्तों लिमिट लिखते हैं। तो एरिया अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभीष्ट क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों?
तो पहले उसके पहले हमें लिमिट रखनी होगी। लिमिट जैसे तो हमने आपको बताया था कि जहां से हम सेट शुरू करते हैं और जहां पर खत्म करते हैं वही पॉइंट्स हम लेते हैं दोस्तों। तो हम सेट करना कहाँ से स्टार्ट किए थे, जीरो से। तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी क्या होगी दोस्तों, जीरो। और जो अपर लिमिट होगी दोस्तों, यहाँ कहाँ पर खत्म हो रहा है ये, एक्स अच के 4a/y m² पर। तो हम इसकी दोस्तों क्या लिखेंगे, 4a/m² अपर लिमिट जो आ जाएगी 4a/m². अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, हम कैसे करेंगे इसका, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसका समाकलन। तो हम यहाँ पर जाते हैं ऊपर से, हम देखते हैं ऊपर से दोस्तों, देखते हैं जो कर्व ऊपर मिल रहा होता है उसको और माइनस नीचे वाला कर्व जो होता है दोस्तों। हमें पहले ऊपर कर्व कौन सा मिल रहा है, पहला समीकरण। तो हम क्या लिखेंगे, y1 माइनस, फिर नीचे कौन सा है दोस्तों, दूसरा y1 माइनस y2, ये dx। हम x सच में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, dx, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर y1 क्या है दोस्तों, जो पहला समीकरण है वो है y1, दूसरा समीकरण क्या है हमारा y2। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आएगी, y² y, यहाँ पर y² दिया हुआ है हमें, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो y बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, √4ax। यहाँ पर हम लिख देते हैं y1 क्या है दोस्तों, √0 to 4a/m² लिमिट √4ax माइनस, दूसरा हमारा दोस्तों क्या दिया हुआ है, y = mx। यहाँ पर पहले से ही हमको वैल्यू दी हुई y की, y = mx। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -mx, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ है, हम अलग अलग समाकलन बांट देते हैं दोस्तों। तो 0 to 4a/m² √2 √a बाहर निकल आएगा दोस्तों, x^(1/2) dx ये हो जाएगा, माइनस एम हम बाहर कर देंगे दोस्तों, 0 to 4a/m² dx अलग कर देंगे दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पर समाकलन करते हैं दोस्तों, x^(1/2) का समाकलन होता है x^(3/2) / 3/2, ठीक है दोस्तों। और इसकी लिमिट क्या है, 0 to 4a/m² माइनस यम, इसका दोस्तों समाकलन क्या होगा, x का समाकलन होता है x^(2), फिर लिखेंगे 0 to 4a/m² दोस्तों। अब हम यहाँ पर इसकी लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसका समाकलन हो गया, अब इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं, 2√a ये हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3, यहाँ पर इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 4a/m² √4a/m² ये हमको, ये इसलिए हमने दोस्तों लिखा है माइनस जीरो। यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 4a/√4a/m² की होल पावर आ जाएगी 3/2। 3/2 पावर को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4a/m² √4a/m² माइनस एम बाई टू, ये टू अलग कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4a/m² की होल पावर 2 - 0, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, तो 4√a/3 × 4a/m² और इंटू इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो 2√a/m माइनस एम बाई टू इंटू 16a²/m⁴। दोस्तों यहाँ पर एक एम से एक एम कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 16 = 32, √a कितना हो जाएगा दोस्तों, a² / 3m³ माइनस 16a² / 2m³। दोस्तों यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, 6m³ हमें एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 64a² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16 * 48a². उसके बाद दोस्तों इसको हम घटा के यहाँ पर लिखेंगे तो बचेगा 16a² / 6m³। यहाँ पर इसको काट देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल, हमारा आंसर आ जाएगा 8a² / 3m³² यूनिट। यहाँ पर आप वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन दोस्तों। अगर हम दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।